नमस्कार, वंदना किचन में स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा। पोहा एक ऐसा नाश्ता है जो बहुत ही टेस्टी होता है और जितना टेस्टी होता है उतना ही बनाने में आसान भी होता है। ये झटपट से बन के तैयार हो जाता है। चलिए हम पोहा बनाना स्टार्ट करते हैं। पोहा बनाने के लिए मैंने सूखा पोहा ली हूँ। अभी मैं इसको अच्छे से वाश कर ली और उसका पूरा पानी निकाल दी हूँ। पूरा पानी निकाल के मैंने रख दी। एक चम्मच मैं उसमें शक्कर ऐड कर दूंगी, आधा चम्मच नमक। अब शक्कर और नमक को अच्छे से पोहे में मिक्स कर दूंगी। कढ़ाही में रख दी हूँ, उसमें ऑयल ऐड कर दी। एक चम्मच राई ऐड कर दूंगी, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, ये सबको मैं थोड़ा सा भूनूंगी एक मिनट तक। उसके बाद मैं सिंगदाना ऐड कर दूंगी। सिंगदाने को मैं भून लूंगी, एकदम डार्क नहीं करूंगी, गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। ये देखिए, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है सिंगदाना तो पोहे में इतना टेस्ट नहीं आता, इसलिए मैं लाइट ही रखी हूँ। हल्दी ऐड कर दी मैंने। पोहा ऐड कर दूंगी। ये देखिए, पोहा बनाने में 5 मिनट लगता है। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी झटपट से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। मैं नींबू का रस जो है डाल दी, हरा धनिया भी मैंने ऐड कर दी। ये देखिए, पोहा जो है रेडी हो गया। पोहा बनाने में बहुत ही कम समय लगता है लेकिन बहुत ही टेस्टी होता है। आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, नाश्ते में भी खा सकते हैं। पोहा जो है हेल्दी भी होता है। ये देखिए, पोहा जो है रेडी हो गया है। आप कभी बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी होता है। बहुत ही कम सामान में, बहुत ही कम टाइम में झटपट से तैयार हो जाता है।